सर्वप्रथम मैं आप सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। अभी जो हमारे सीनियर जो लॉयर यहाँ बैठे हैं, वो बैठ रहे थे तो हे राम कह रहे थे, उठ रहे थे तो हे राम कह रहे थे, यहाँ समोसे में भी हे राम हो रहा है और जलेबी में भी जय श्री राम हो रहा है। तो ये देश ऐसा है जो राम के नाम से चलता है। सुबह होती है तो राम के नाम से होती है, शाम होती है तो राम के नाम से होती है। पर आजकल जब समाचार पत्र हम खोलते हैं सुबह, और पीएस सिंह जी दो मिनट बातचीत, समाचार पत्र सुबह खोलते हैं और देखते हैं कि आर्मी इज सेक्सुअल असॉल्टर एंड अ रेपिस्ट ऐसा कहा जाता है, स्टोन पेल्टर्स आर इनोसेंट चिल्ड्रन स्टूडेंट्स ऐसा कहा जाता है, अर्बन नक्सलिज्म के लिए पूरा समाज खड़ा हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी आधी रात तक बैठता है देखने के लिए कि मर्सी पिटिशन टेररिस्ट की सुनी जाए कि नहीं सुनी जाए। तो वो राम के देश में मन राम राम कह उठता है और कह उठता है कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से। तो जन जन को राम बनाने का कार्यक्रम ये लॉयर्स फॉर नेशन ने, यहाँ रितेश जी और संजीव न्याल ने बीड़ा उठाया है। मुसीबतें तो बहुत होती हैं, समस्याएं तो बहुत आती हैं, रोज लगता है कि कहीं हम ये लड़ाई हार तो नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में कहीं इतना डरा धमका दिया जाता है कि एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट हो जाती है, कहीं कहीं हम रुक तो नहीं जाएंगे, थक तो नहीं जाएंगे। पर मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि समाज का व्यक्ति व्यक्ति ना रुकेगा, ना झुकेगा, ना टूटेगा, क्योंकि वो मानता है, उसका ध्येय गान है कि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है। विषय पर आते हुए, हम सब लॉयर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारी नर्सरी राइम की तरह हमें कंठस्थ हो जाता है, और आर्टिकल 1 हम सब के लिए एक गौरवशाली आर्टिकल है, सभी आर्टिकल्स गौरवशाली हैं, पर आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। यहाँ संजीव जी दैट इज सुमित जी तो नहीं है, पीएस सिंह जी यानी सत्येंद्र जी तो नहीं है, एक व्यक्ति के दो नाम नहीं होते तो एक देश के दो नाम कैसे हो सकते हैं? जर्मनी का, जापान का, चाइना का, किसी का, अमेरिका का दो नाम नहीं है तो भारत के दो नाम किस लिए? इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि इंडिया तो 1947 में एक नवजात शिशु था, वो जन्मा ही था केवल, उसके दादा नाना ताया चाचा बुआ प्रेरणा स्रोत कौन थे? वो भारत था। इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर्स, इंडिया के बेसिक फीचर्स क्या थे, उसके लिए आपको भारत को देखना पड़ेगा। इंडिया बिना भारत के अधूरा है, आप इंडिया को जान ही नहीं सकते। भारत यानी भा और रथ, भा यानी प्रकाश, रथ यानी लगे हुए, जो ज्ञान के प्रकाश में लगे हुए हैं, ऐसे हैं भारत के लोग। और भारत के लोग हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, फंडामेंटल राइट टू हैप्पीनेस, सर्वे संतु निरामया, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ। इंडिया वहां अब तक नहीं पहुंचा है, फंडामेंटल राइट टू हैप्पीनेस और हेल्थ अब तक नहीं आई है, धीरे धीरे प्रयास कर रहा है आर्टिकल 21 में, राइट टू लिव विद डिग्निटी में। भारत कहता है कण कण में भगवान, भारत कहता है तत् त्वम् असि, तुम भी वही हो, यानी भारत तो मानवता के धर्म की बात करता है कि जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। और इस भारत के रोम रोम में जो बसा है, भारत का राष्ट्र पुरुष है, भारत का गौरव है, वो प्रभु राम है। आज जो हम बात कर रहे हैं, हम राम जन्मस्थान की बात कर रहे हैं,
राम जन्मस्थान विवादों के घेरे में क्यों? राम जन्मस्थान तो हर भारतीय के लिए, हर हिंदू के लिए आवश्यक होगा वहां जाना। ये कोई ऑर्डिनरी मंदिर नहीं है। हम केवल गली के एक मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, हम राम जन्मस्थान की बात कर रहे हैं। फिर ये विवादों में क्यों? ये विवादों में इसलिए कि 1528 में यहां पर जब बाबर की ओर से मीर बाकी आया, उसने ये राम जन्मस्थान को तोड़ दिया और यहां पर बाबरी मस्जिद बना दी। बाबरी मस्जिद इसने बना दी। आज जो गुलाम देश वापस स्वतंत्र हुआ है, वो कह रहा है मेरा राष्ट्रीय स्मारक है, गौरव है, मुझे ये वापस चाहिए। हमें कहा जा रहा है लगातार, आप साक्ष्य दीजिए, आप प्रूव कीजिए राम जन्मस्थान था। मैटर इन इशू केवल और केवल एक लाइन का है। मैटर इन इशू है कि व्हाट एग्जिस्टेड प्रायर, वॉज टेम्पल डिमोलिश्ड टू मेक अ मस्जिद, और द मस्जिद वॉज मेड ऑन अ प्लेन लैंड। इतना ही इशू है, मंदिर पहले था कि मस्जिद पहले थी, केवल और केवल इतना ही इशू है। और इसलिए समाज को, सरकार को और सुप्रीम कोर्ट में अपनी लॉयर्स की टीम के लिए हम सभी लोग कहते हैं कि पूजा अर्चना बहुत हो गई, भक्ति हमें बहुत हमने कर ली, अब हमें शक्ति की आवश्यकता है कि विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे दे दो, विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे दे दो, वरदान न दो चाहे लेकिन राघव के बाण मुझे दे दो। केसेस कौन से हैं? चार केसेस फाइल हुए हैं। पहला केस आया जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद का। गोपाल सिंह विशारद ने कहा ये ताले के अंदर मूर्तियां हैं रामलला की, मैं रामलला का भक्त हूं, मुझे यहाँ पूजा अर्चना रोज करनी होती है, दर्शन करने होते हैं रामलला के, कोई व्यक्ति या प्रशासन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाए, ग्रांट मी इंजंक्शन। ही वॉज ग्रांटेड इंजंक्शन कि आप बिना इंटरफेरेंस के दर्शन कर सकते हो। दूसरा केस आया 1959 में निर्मोही अखाड़े का। क्या हुआ? उन्होंने कहा हम तो सदियों से रामलला के इस मंदिर की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट हमारे पास होती है, सारा चंदा हमारे पास आता है, सरकारी रिसीवर को हटाइए, सारा चंदा हमें दीजिए और इसकी मैनेजमेंट हमारे पास दीजिए। ये दूसरा केस था। तीसरा केस सुन्नी वक्फ बोर्ड का 18 दिसंबर 1961 को यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केस फाइल किया, डिक्लेयर दिस टू बी अ पब्लिक मॉस्क, रिमूव द आइडल्स, डिक्लेयर द सराउंडिंग ग्राउंड टू बी ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड की प्रेयर हटवा ली, दो प्रेयर्स रह गई, डिक्लेयर दिस टू बी अ पब्लिक मॉस्क और यहां से जो आइडल्स है रामलला की उनको हटा ली जाए। चौथा केस फाइल हुआ 1986-87 में, जो मेन केस था जो रामलला की ओर से फाइल हुआ, उनके नेक्स्ट फ्रेंड देवकी नंदन अग्रवाल ने फाइल किया। रामलला हमारे यहाँ कहते हैं कि जो मूर्ति होती है कि वो केवल पत्थर नहीं होता, मृत पत्थर, उसमें जब मंत्र फूंक दिए जाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा उसकी हो जाती है, वो जीवित प्राणी होती है। मूर्ति यानी डेटी कैन स्यू, वो लीगल केस फाइल कर सकती है। यहाँ रामलला की मूर्ति अगर 70 फीट की भी बन जाती है, वो परपेचुअल माइनर स्टेट में ही रहेगी, क्योंकि रामलला है बचपन के राम जी की अवस्था है, तो राम जी तो माइनर है, वो तो खुद केस फाइल नहीं कर सकते हैं, उनको एक नेक्स्ट फ्रेंड की जरूरत है, उनके नेक्स्ट फ्रेंड यानी उनके दोस्त बने देवकी नंदन अग्रवाल, रिटायर्ड ADJ। उन्होंने केस फाइल किया रामलला के बेसिस पर, उन्होंने कहा मैं रामलला का नेक्स्ट फ्रेंड, ये मेरा जन्म स्थान, यहां मेरा भव्य मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ दिया गया, अब मैं चाहता हूं कि यहां पर बड़ा मंदिर बने, क्योंकि ये मेरी जमीन है और माइनर के खिलाफ कोई भी एडवर्स पोजीशन नहीं हो सकता। ये चारों केसेस को क्लब कर दिया गया, क्लब होके अलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सब केसेस सुने जा रहे थे। तभी 1992 6 दिसंबर को वहां कार सेवा हो रही थी और
जो कार सेवक है वो वहां गुंबद पर चढ़ गए, हाथों से, ईंटों से, सरियों से, पैरों से जो गुंबद था वो जमींदोज हो गया। तो आज वहां बाबरी मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं है, आज वहां पर टेंट के अंदर रामलला है और वहां छोटा मंदिर है। तो अब मंदिर नहीं बनाना, मंदिर को भव्य बनाना है, इतनी सी बात है। 7 जनवरी 1993 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस डिस्प्यूटेड जगह के आसपास 67 एकड़ को एक्वायर कर लिया, लैंड को। इस पूरे 67 एकड़ लैंड में एक इंच भी किसी मुसलमान की जमीन नहीं है, सारे मंदिर हैं या सारे हिंदुओं की जमीन है। 1993 में इसी एक्विजिशन के खिलाफ केस फाइल हुआ। इस्माइल फारूकी जो अयोध्या का निवासी था उसने केस फाइल किया, उसने कहा मेरे मस्जिद की जमीन है, सरकार एक्वायर कैसे कर सकती है, मस्जिद की जमीन कैन नॉट बी एक्वायर्ड। 1.5 साल तक इसमें बहस हुई, लंबी बहस चली, आर्ग्यूमेंट्स किए गए। अल्टीमेटली कोर्ट ने, 3 जजेस बेंच ने 1994 को डिसीशन दिया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दे ऑल आर एट द सेम लेवल, सभी एक्वायर हो सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। साथ में कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी और कहा मस्जिद इज नॉट इसेंशियल टू इस्लाम, प्रेयर्स कैन बी ऑफर्ड एनीवेयर, नमाज कैन बी ऑफर्ड एनीवेयर, मस्जिद इज नॉट इसेंशियल टू इस्लाम। तो उसके बाद ये केसेस चलते रहे और अब जाकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 7 जनवरी 1993 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक रेफरेंस किया सुप्रीम कोर्ट को और कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें बताइए कि पहले क्या मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई या मस्जिद बंजर भूमि पर बनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाई डू यू आस्क अस, क्यों पूछ रहे हो। तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा हम इसलिए पूछ रहे हैं, एफिडेविट के ऊपर कहा सुप्रीम कोर्ट में, वो एफिडेविट नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का आज भी मौजूद है। सरकार ने कहा कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी तो ये जमीन हिंदुओं को दे दी जाएगी, और अगर ये ध्यान आता है कि कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ बंजर भूमि के ऊपर मस्जिद बनी थी, तो वो मुस्लिम पक्ष को दे दी जाएगी। उसके बाद ये जानने के लिए कि जमीन के नीचे क्या है, 2003 में अलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया एएसआई को कि आप रेडार तरंगों के द्वारा नीचे फोटोग्राफी कराइए, आप देखिए नीचे है क्या। अब वो करे कौन, हिंदुस्तान में ये एक्सपर्टीज किसी के पास थी नहीं, तो कनाडा से एक्सपर्ट्स बुलाए गए। कनाडा के एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने रेडार फोटोग्राफी से देखा, नीचे तरंगों से फोटोग्राफी की और पाया पिलर्स थे, स्लैब्स थी, कुछ मूर्तियां थी। तो ध्यान आया और डिग की जाए, और एक्सकवेशन किया जाए, लगातार खुदाई की गई तो 50 से ऊपर पिलर्स मिले, इक्वी डिस्टेंट पिलर्स मिले, जो मंदिर के सबसे ऊपर का पोर्शन होता है वो गिरा हुआ, उसमें गुंबद एक और उसका शब्द होता है वो उसमें दबा हुआ मिला, गणेश जी की, राम जी की, शिव जी की सबकी मूर्तियां मिली। ऐसा लगा ध्वस्त करके मंदिर को, उसके बाद मस्जिद यहां पर खड़ी की गई। तो उन्होंने कहा, दूसरी पार्टी ने, नहीं नहीं हो सकता है भूकंप आया हो। तो हमारे पक्ष ने कहा भूकंप हवा में आता है, जमीन के अंदर से आता है, क्योंकि हवा में भूकंप आएगा तो केवल ऊपर का स्ट्रक्चर, और अगर जमीन के नीचे भूकंप आएगा तो नीचे भी सब कुछ टूटेगा, पर नीचे सब कुछ वैसा का वैसा है। यानी कोई आया आक्रांता, उसने मंदिर को समाप्त किया, ध्वस्त किया, और वहीं उसके बाद वहां पर मस्जिद बना दी। इन सब साक्ष्यों के बेसिस में हजारों विटनेसेस हैं, हजारों प्रूफ्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एएसआई की एक्सकवेशंस हैं जो 2 वॉल्यूम्स में हैं, एक में फोटोग्राफ्स हैं, एक में सारे टेक्स्ट हैं। इन सब के बेसिस पे 3 जजेस बेंच ने अलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट दी 30 सितंबर 2010 को। जजमेंट कहती है हिंदू टेम्पल वॉज डिमोलिश्ड टू मेक मस्जिद। दूसरा कहा मस्जिद वॉज मेड अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ इस्लाम। तीसरा कहा कि बंजर भूमि पर मस्जिद नहीं बनाई गई।
चौथा कहा डिस्प्यूटेड साइट इस रामलला जन्मस्थान, और केवल एक डोम ही एक गुंबद ही नहीं है, ये पूरा जो एरिया है ये पूरा एरिया पवित्र है, आराध्य है, तो इस पूरे एरिया को ही हम डेटी कहेंगे, हम देवता कहेंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड का केस डिसमिस कर दिया गया, निर्मोही अखाड़े का केस डिसमिस कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ रामलला ही जीते हैं इस केस में। सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के केस में कहा गया मैटर्स डिसमिस्ड, नो रिलीफ ग्रांटेड। लेकिन उसके बाद वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड पार्टीशन कर दिया गया, वन थर्ड रामलला को, वन थर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड को, वन थर्ड निर्मोही अखाड़े को। पार्टीशन सूट तो था ही नहीं, विवाद था कि इस भूमि का मालिक कौन, किसने पार्टीशन मांगा नहीं था, तो तीनों ने विद इन 3 months अपील फाइल की, जो दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट में अपील पहुंची, और फर्स्ट हियरिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाई वाज द लैंड पार्टीशन्ड। उसके बाद से लगभग 8 साल से ये अपील पेंडिंग है। 1.5 साल पहले अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया, तो वहाँ से जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लॉयर्स आए थे वो कहते 14,000 केस है, हिंदी में है और उर्दू में है, इनको ट्रांसलेट करने में 1.5 साल लग जाएगा, आप 1.5 साल बाद की हियरिंग दे दो। योगी गवर्नमेंट से हम 4 महीने में ट्रांसलेट कर देंगे, 4 महीने में योगी की यूपी की गवर्नमेंट ने उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में रिकॉर्ड पर लगा दिया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट के एडवोकेट्स ने कहा आपने दे दिए है क्या, हमें तो मिले नहीं, तो प्रूफ दिखाया आपके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को दे दिए हैं, अच्छा अच्छा हमने पढ़े नहीं, तो यहां से कहा तुम्हें पढ़वाएंगे क्या, तो उन्होंने कहा आप जो ये हियरिंग है इसको 2019 के बाद पोस्टपोन कीजिए। जज ने कहा इनमें से पॉलिटिकल पार्टी कौन है, निर्मोही अखाड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, रामलला पॉलिटिकल पार्टी है, या सुन्नी वक्फ बोर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो जमीन का विवाद है, इसमें 2019 इलेक्शन से क्या लेना देना। फिर कहा गया कि नहीं नहीं इससे तो बीजेपी को फायदा होगा। जज ने कहा मैं ना पॉलिटिकल सबमिशन सुनूंगा ना रिलीजियस सबमिशन सुनूंगा, ये हमारे लिए केवल लैंड डिस्प्यूट है। फिर कहा गया 3 जजेस ने 5 या 7 जजेस को रेफर कर दो। आप लोग भी लॉयर्स हैं, आप चूज करते हैं कि बेंच कौन सी होनी चाहिए, कौन सा जज बेंच में बैठना चाहिए, 3 जजेस की होगी या 5 की होगी या 7 जजेस की होगी, क्या आप धमकाते हैं जजेस को हमारी बात नहीं मानी गई तो हम इम्पीचमेंट कर देंगे। और मुझे नहीं लगता आप में से किसी भी लॉयर ने आज तक कोर्ट में कहा होगा जज साहब आप हमारी बात नहीं मान रहे हम वॉकआउट करते हैं। ये सब दलीलें राम जन्मभूमि के केस में डिले करने के लिए कि ये हेयरिंग पे ना आए ये दी गई। राजीव धवन जी ने तो अपना सीनियर का गाउन ही छोड़ दिया, मैं तो प्रैक्टिस ही छोड़ता हूँ, क्योंकि इतनी लड़ाई झगड़ा वहाँ पर कोर्ट के अंदर हो रहा था किस लिए। हमारे यहाँ देखिए हम लॉयर्स कहते हैं कि इफ यू आर स्ट्रांग ऑन फैक्ट्स यू हैमर द फैक्ट्स, इफ यू आर स्ट्रांग ऑन लॉ यू हैमर द लॉ, एंड इफ यू आर स्ट्रांग ऑन नथिंग देन यू हैमर द टेबल। तो यही सब सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और सब लॉयर्स देखे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं और क्या क्या चल रहा है, हियरिंग के अलावा सब कुछ चल रहा है। तो 29 दिसंबर को जब हियरिंग पे केस आया, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डे टू डे हियरिंग होगी, उस समय जब यूपी गवर्नमेंट के लॉयर्स खड़े हुए, यहाँ से तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल हमारे खड़े हुए, और सबने कहा कि हियरिंग आप जल्दी कीजिए, कोर्ट ने कहा नहीं नहीं द बेंच द एप्रोप्रिएट बेंच विल लिसन टू दिस केस इन दिसंबर जनवरी एंड एप्रोप्रिएट बेंच विल बी फॉर्म्ड इन जनवरी। तब यूपी के और सरकार के वकील ने कहा कि आप जल्दी इस केस को कर लीजिए, तो जो उस समय चीफ जस्टिस साहब ने कहा वी हैव आवर ओन प्रायोरिटीज। इसे मुझे लगता है कि हम सभी बहुत आहत हुए, आहत इसलिए हुए कि प्रायोरिटी 8 साल से केस पेंडिंग है, 70 साल से ये केस जब शुरू हुआ था तब से पेंडिंग है, तो जस्टिस को तो जल्दी देना होता है ना। हमारे पास सबरीमला कैन बी आर प्रायोरिटी, एडल्ट्री कैन बी आर प्रायोरिटी,
377 can be our priority. Zakia Zafri can be our priority. Rafael can be our priority. Why Ram Mandir is not the priority? Ye ek ek vyakti, ek ek lawyer Supreme Court se pooch raha hai. Ek baat aur kahungi. Log kahenge, election se pehle hamesha Ram Mandir ki baat shuru kar dete hai. तो इलेक्शन तो 2019 में है, उससे पहले 2014 में हुआ था. ये लड़ाई 500 साल पुरानी है. 500 साल. गुरु नानक साहब ने कहा था जब बाबर आया था कि ये पापों की बारात लेकर बाबर आ रहा है, हिंदुस्तान बच के रहो, अपनी संस्कृति को बचा लो, ये पापों की बारात लेकर बाबर आ रहा है. कितने ही हिंदुओं ने, सिखों ने जान दी है राम जन्मभूमि के लिए. 76 युद्ध हो चुके हैं इसके लिए और पहली बार ढांचा नहीं टूटा. आप रिकॉर्ड्स उठा के देखिए, 1934 में ऐसे ही लगातार वहां पर जब आक्रमण किया जा रहा था इस ढांचे के ऊपर, इस ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां अयोध्या के हिंदुओं पर पेनल्टी लगाई थी 84,000 रुपीज की 1934 में, कि आप पेनल्टी दो, उससे हम इसको रिपेयर कराएंगे. तो the Mughals, the Muslim Paksh never had uninterrupted, continuous, peaceful possession over this property. एक बात मैं और कहूंगी, बात आती है mediation कर लो, बातचीत कर लो. आप में से प्लीज हाथ उठा के बताइए कि कौन वो लॉयर है जो जीत चुका है वो हारी हुई पार्टी के साथ mediation करेगा. जब लिखा है केस dismissed, No relief can be granted. Mediation क्यों करेंगे? किस भाईचारा क्या होता है? कहा जाता है मंदिर मस्जिद की बात, फिर मंदिर मस्जिद की बात नहीं है. 20 लाख मंदिर हिंदुस्तान में है, एक नहीं भी बना क्या फर्क पड़ जाएगा? पर हम मंदिर के लिए बात नहीं करें, हम जनस्थान की बात करें. जन्म स्थान तो एक ही होता है ना, काबा तो एक ही होता है, मक्का मदीना तो एक ही होता है, ऐसे जन्म स्थान एक ही होता है. तो जहां मुस्लिम पक्ष लड़ रहा है प्रॉपर्टी के लिए, दिस प्रॉपर्टी कैन बी एनीवेयर, वहां हम लड़ रहे हैं जन्म स्थान के लिए, जो वही हो सकता है दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता. अब सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, तीन चार बातें हैं. पहला, हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी उस आतंकी लुटेरे आक्रता हमलावर बाबर से आइडेंटिफाई नहीं करता है, पहली बात. दूसरी बात, अगर कोई भी विवादित जमीन होती है, डिस्प्यूटेड लैंड होता है, अगर वहां से नमाज अदा की जाती है तो अल्लाह उस नमाज को कबूल नहीं करता है, ये दूसरी बात. तीसरी, सुन्नी वक्फ बोर्ड केस डिसमिस, निर्मोही अखाड़ा केस डिसमिस, एएसआई की खुदाई में राम कृष्ण और गणेश जी की मूर्तियां निकल रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यूपीए गवर्नमेंट का, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में है कि अगर ये प्रूव होता है कि पहले मंदिर था तो जो जमीन है वो हिंदुओं को हैंड ओवर कर दी जाएगी. मुस्लिम्स का व्हाइट पेपर में जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि अगर यहां पहले मंदिर निकला तो हम अपना क्लेम छोड़ देंगे. इसलिए जो आपने अंडरटेकिंग्स दी हैं उस पर खड़े रहिए, उसकी बात कीजिए. और शिया वक्फ बोर्ड कह रहा है बाबरी मस्जिद कैन बी एनीवेयर, हम इसको लखनऊ ले जाएंगे, हम इसको कहीं और ले जाएंगे, हम कहीं और कर लेंगे इस चीज को. इसलिए कोई कारण नहीं है इस झगड़े का. मुझे लगता है कि जो मेन झगड़े का कारण है वो जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस हैं जो चाहते हैं कि यहाँ शांति कभी ना रहे, यहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर, यहाँ ब्राह्मण दलित के नाम पर, यहाँ पर आर्य द्रविड़ के नाम पर लोग लड़ते रहे, असली कारण वो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस हैं. और तीन बात कह के अपनी बात समाप्त करती हूँ. लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस ले आइए. ऑर्डिनेंस आर्टिकल 1, 2, 3 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि इफ द प्रेजेंट इज सैटिस्फाइड दैट एन अर्जेंट इमर्जेंट इशू एग्जिस्ट देन वी कैनॉट वेट टिल द नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो हम कानून बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, वो अगले सत्र के सामने रखना होता है, उसको मेजॉरिटी से पास कराना होता है. ऐसी कोई इमरजेंसी अभी दिखती नहीं है. दूसरा, प्राइवेट मेंबर्स बिल, इट कैन बी एन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट.
प्राइवेट मेंबर्स बिल या सरकार बिल ला सकती है। प्राइवेट मेंबर बिल होता है कि एक एमपी जो मिनिस्टर नहीं है वो कहता है कि मैं ये बिल ला रहा हूँ, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, मैं इस कारण से लाना चाहता हूँ, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उस पर बहस होगी तो पूरा भारतवर्ष देखेगा किस पार्टी का, किस व्यक्ति का बिल के ऊपर, राम मंदिर पर क्या क्या स्टैंड है। फिर किसी को अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहन के शिव भक्ति की बात नहीं करनी पड़ेगी। और तीसरा, हम सब मिलकर आह्वान करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के जो इशू है उस पर जल्दी बेंच को गठित करें, रीओपनिंग पर जनवरी में करें और डे टू डे हेयरिंग पर इसको लगा दें और जो एविडेंसेस अवेलेबल है उनके बेसिस पर सुन लें। तो ये रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट से है अर्ली हेयरिंग ऑफ द केस के लिए, ये रिक्वेस्ट सरकार से है कि बिल लेकर आए, लेट एवरी पर्सन एवरी पार्टी मेक स्टैंड क्लियर ऑन राम मंदिर बिल। और ये आह्वान आप सब लॉयर से हैं, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम हो या राम जन्मभूमि का आंदोलन या कोई भी आंदोलन, आप लोग हमेशा, आपने नेतृत्व किया है समाज का, हमेशा आप लोग आगे रहे हैं, आपने अगर लाठी भी खाई है तो सामने खाई है, पीठ पर नहीं खाई है। तो ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों से भी आह्वान करते हैं कि जितनी जागृति इसके बारे में ला सके उतना लाएं। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इशू फॉर इट्स, इट्स अ मैटर ऑफ फेथ फॉर वन एंड फॉर ऑल। सोमनाथ मंदिर 1947 में भारत आज़ाद हुआ था कि मुंशी जी उस समय वहां गए सोमनाथ मंदिर में और देखा कितना बुरा हाल है उसका, तो उन्होंने आकर कहा होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी से, इसका जीर्णोद्धार करना है, गजनी ने और मुगलों ने तबाह कर दिया है सोमनाथ का मंदिर। तो वहां से मस्जिद को हटा दिया गया, कहीं और एक भव्य मस्जिद के लिए जगह दे दी गई। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार देश की सरकार ने किया, और तब और अब में बहुत अंतर नहीं है। उस समय नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को कहा, आप तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, लेटर्स मौजूद हैं पब्लिक डोमेन में, आप देख सकते हैं, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ये हिंदुओं के मंदिर का जीर्णोद्धार आप मत जाइए। तो उन्होंने वापस रिप्लाई दिया लेटर से राजेंद्र प्रसाद जी ने, इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैनॉट गो टू अ प्लेस विच इज एन इश्यू ऑफ रिवाइवल ऑफ द कंट्री, तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिजाइन करने को तैयार हूं, मैं तो जाऊंगा। तो जिस प्रकार से राम सेतु बन रहा था, यहाँ तो राम सेतु और राम को ही मिथ्या कह दिया जाता है एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में। तो जब राम सेतु बन रहा था, नल नील हनुमान स्वयं श्री राम मौजूद थे, वहाँ एक छोटी सी गिलहरी पानी में डुबकी लगाती, रेत पर आती, लोगों ने कहा पगला गई हो, क्या कर रही हो। उस गिलहरी ने कहा, यहाँ तो बड़े बड़े योद्धा मौजूद हैं, मैं तो अपना राम सेतु के लिए गिलहरी प्रयास कर रही हूँ। तो आप सब लॉयर्स का राम मंदिर के बनने के लिए ये एक गिलहरी प्रयास है, मैं आप सबका साधुवाद करती हूँ।